मामूली विवाद से मित्रों के साथ मिलकर चाचा ने अपने ही भतीजे की धारदार शस्त्र से हत्या करने की दिल दहला देने वाली घटना ब्रह्मपुरी में सामने आई। मामूली विवाद के चलते एक चाचा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने भतीजे की धारदार शस्त्र से हत्या कर दी। इस घटना से ब्रह्मपुरी शहर में खलबली मची। ब्रह्मपुरी शहर के गुजरीवाड चौक में 4 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे के दौरान यह घटना घटी। कपिल खुशाल भैसारे उम्र 22 वर्ष गुजरीवाड ब्रह्मपुरी निवासी मृतक व्यक्ति का नाम है तो मुन्ना राउत उम्र 45 वर्ष और रोहित भैसारे उम्र 32 वर्ष गुजरीवाड ब्रह्मपुरी निवासी आरोपियों के नाम है। इस मामले में दोनों ही आरोपियों को ब्रह्मपुरी पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 जुलाई की रात कपिल भैसारे और चाचा रोहित भैसारे मित्र मुन्ना राउत तीनों ही शराब पीकर गुजरीवाड चौक में बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा दौरान दोनों का ही कपिल के साथ विवाद हुआ। मुन्ना राउत और चाचा रोहित गुस्से से आग बबूला हुए और उनकी ओर रखा धारदार शस्त्र से कपिल भैसारे के छाती पर वार किया। इस दौरान कपिल नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद कुछ ही समय में कपिल भैसारे का भाई वहां आया। कपिल को लहूलुहान हालत में देखकर उसे ब्रह्मपुरी के ग्रामीण अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। घटना की जानकारी ब्रह्मपुरी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ब्रह्मपुरी पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को करीब 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक सुधाकर अंभोरे इनके मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक सुरेंद्र उपरे कर रहे हैं।